नमस्कार, ये है ईटीवी भारत और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर तेज हुआ चुनाव प्रचार। 2 अप्रैल को पीएम मोदी रुद्रपुर में करेंगे रैली। जेपी नड्डा पिथौरागढ़ और विकास नगर में भरेंगे हुंकार। स्टार प्रचारकों की चुनावी जनसभा की तैयारियों में जुटी बीजेपी। लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटे सीएम धामी। सहिया में की विशाल जनसभा। गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी ने राहुल को बनाया पप्पू तो हरीश रावत ने पीएम मोदी को कहा गप्पू। अंतर समझाने के लिए शुरू किया अभियान। बेटे के चुनावी प्रचार को दी धार। कांग्रेस को फिर लगा बड़ा झटका। प्रदेश महासचिव महेश शर्मा ने छोड़ी पार्टी, भाजपा में हुए शामिल। 2022 में कालाडूंगी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं महेश। उत्तराखंड की अंतिम मतदाता सूची हुई जारी। प्रदेश में 83,37,914 मतदाता करेंगे वोटिंग। हरिद्वार लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोटर। सबसे कम मतदाता वाली सीटों में टिहरी और अल्मोड़ा शामिल। देहरादून में एसडीआरएफ का दीक्षांत समारोह। 9 माह के प्रशिक्षण के बाद पास आउट हुए 171 जवान। अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। टिहरी के गजा तहसील जुबवा कोटी के पास हुआ बड़ा हादसा। खाई में गिरी टाटा सुमो, 2 लोगों की मौत, 11 घायल। मौके पर मचा हड़कंप। हरिद्वार और ऋषिकेश में दिखने लगा समर वीकेंड का असर। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान से बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। पैक हुए होटल, धर्मशालाएं, सड़कों पर लगा जाम। कैलाश यात्रा के लिए कुमाऊं मंडल विकास नगर निगम ने कसी कमर। पूरी की तैयारियां। 13 मई से शुरू होगी यात्रा, कई महीनों में होगी खास। 1 अप्रैल से केदारनाथ में शुरू होंगे पुनर्निर्माण कार्य। यात्रा मार्ग पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। पैदल मार्ग से हटाई जा रही बर्फ। 10 मई से शुरू होगी केदारनाथ यात्रा। बाकी की अपडेट्स के लिए लॉग इन करें ETVBharat.com पर।